हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, कई लोग अप्लाई करने वाले होंगे, तो उन सब लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, लेकिन पहले मैं कुछ ऐसी बातें कर लेता हूं जो कि आपको पता है, लेकिन एक बार दोहरा देना अच्छा होता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैटर्न में बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। पहले सीएचएसएल में क्या होता था कि टीयर वन होता था, टीयर टू होता था। टीयर वन ऑब्जेक्टिव होता था, टीयर टू डिस्क्रिप्टिव होता था। 200 नंबर का टीयर वन, 100 नंबर का टीयर टू, 200 प्लस 100, 300 नंबर पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी। अब पैटर्न हो गया है बदल, टीयर वन सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ टीयर टू के मार्क्स पे बनेगी। टीयर टू जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। 360 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, आपसे टाइपिंग भी ली जाएगी टीयर टू में ही, वो कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। और जीके का वेटेज जो कि सीजीएल में जो बदलाव हमने देखा था सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन में, वैसा ही बदलाव हम लोग यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। कई लोग थोड़े गुस्सा भी हैं कि जो सीजीएल का पैटर्न था टीयर टू का, वो सीएचएसएल में भी क्यों लेके आ गए, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ सकता है, लोग टेंशन में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पैटर्न में जो बदलाव है कोई बुरा बदलाव नहीं है। जीके का वेटेज टीयर टू में भी हो, इसकी मांग हमारी हमेशा से रही है, ठीक है। बहुत लोग इसे सपोर्ट में भी रहे हैं कि मैथ्स इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज टीयर टू में हुआ करता था, या फिर ओवरऑल एसएससी एग्जाम्स में तो जीके रीजनिंग का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है एसएससी के द्वारा, तो एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक्स मेरे पास में है। इन बुक्स में जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सेट्स हैं एसएससी सीएचएसएल के, सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे इन बुक्स में। सबका डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स हैं, मैक्सिमम टॉपर्स इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं। इन दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किरण के बुक्स में एरर की प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब वो चीज बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज की गई है और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक और डिटेल सॉल्यूशन रहते थे, अब काफी शॉर्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट अप्रोच भी देखने को मिलते हैं इन बुक्स में। तो अगर आपने अभी ही फॉर्म भरा है, इसके लिए आप प्रिपरेशन अभी ही करना चाहते हैं एक दो महीने में, तो ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा आपके लिए। तो इन दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप इन बुक्स को ले सकते हैं। वैकेंसीज की अगर बात करें दोस्तों, तो वैकेंसीज 4500 है। अब मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो ये नंबर काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि पहले क्या होता था एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसीज आती थी तो उसमें ऑलमोस्ट 70% वैकेंसीज पीए और एससी की होती थी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। पिछले साल कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत ये डिक्लेयर किया गया था कि पीए एससी की जो वैकेंसी है वो सीजीएल के थ्रू रिक्रूट होंगी और वो सीजीएल में ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उसके बाद जो वैकेंसीज होती थी लाइक एलडीसी, डीईओ, जेएसए, इन सब की वैकेंसीज बहुत कम हुआ करती थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी कम वैकेंसीज आएंगी सीएचएसएल 2022 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन सारे पोस्ट की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी कि 4500 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी सीएचएसएल 2022 में। और भी कई सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंट हैं एस्पायरेंट्स और जो अपकमिंग फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए। हमें पता है कि एसएससी अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने वाली है, आपका सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट आपको अलॉट कर दी जाएगी, फाइनल रिजल्ट के बाद आपका डीवी होगा और डीवी लेगा कंसर्न डिपार्टमेंट। अब ऐसे में क्या हुआ है, इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदे ये कि टाइम बहुत ज़्यादा आपका बच जाएगा, बहुत जल्दी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन इससे कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। निगेटिव पॉइंट्स ये कि पहले क्या होता था कि जब एसएससी डीवी करवाती थी तो अगर आपके सर्टिफिकेट्स में अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करते थे लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, और आपके सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि पाई जाती थी तो एसएससी आपको मौका देता था कि आप खुद को अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो अपने रिस्क पे आप जो डिपार्टमेंटल डीवी होता था वहां आप जाओ, वहां पे अपनी दलीलें पेश करो एंड यू विल बी थ्रू। तो बहुत लोग सहूलियत के लिए खुद को यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, एसएससी आपका डीवी कराएगी नहीं, अब सीधे आपका डिपार्टमेंट ही आपका डीवी कराने वाला है। और इस बार नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट आपका डीवी कराएगा, और अगर आपके सर्टिफिकेट में त्रुटि पाई जाती है तो कोई वहां आपको मौका नहीं दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर होने का, आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। ये साफ साफ मेंशनड है नोटिफिकेशन में, ठीक है। क्रूशियल डेट को लेके कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है एसएससी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। अगर आप में से किसी लोगों का सिलेक्शन एससीएचएसएल 2020 या सीजीएल 2020 में अभी फिलहाल हुआ है
और अगर आपने किसी भी कैटेगरी में आपने क्लेम किया था रिजर्वेशन और क्रूशियल डेट का इशू कुछ आपको था लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, ताकि मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकूं कि क्या क्रूशियल डेट पर कोई खास अगर दिक्कत होती है तो डिपार्टमेंट उनको अलाउ करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है तो बोलिए, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्रूशियल डेट को लेके कंसर्न डिपार्टमेंट कितनी रियायत देता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सस्पिशन बचा हुआ है, उसके बारे में चीज़ें क्लियर करते हैं, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रिजर्वेशन क्लेम ना करें, मतलब ऐवें ही ना कर दें कि चलो कुछ मैनेज हो जाएगा बाद में, ये सोच के प्लीज़ मत करें। एक तो ये गलत भी है और SSC तो किसी तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है, डिपार्टमेंट ही आपकी खबर लेने वाला है। तो डरा नहीं रहा हूं, बस आपको सचेत कर रहा हूं कि आप अपने फ्यूचर के साथ आप केयरलेस ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे SSC CHSL की स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी है इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम विशाल सिंह, आई एम सेलेक्टेड एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू SSC CGL। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।